यहाँ कब आई बेटा? पापा बस अभी आई, आप ही को ढूंढ रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? अब आप मेरे लिए इतनी बड़ी शॉप खरीद रहे हो तो मुझे देखने तो आना पड़ेगा ना। और आप लोग इतने साइड क्यों खड़े हो? अब जब इतनी रद्दी से बनाओगे तो दुकान तो बेचनी ही पड़ेगी ना। पापा आई लव इट, इट्स ऑथेंटिक, लाइक अ हेरिटेज, इट्स अमेजिंग। पापा इतनी भी नहीं है बेटा, बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं ना इसे तोड़ के तेरे लिए नई दुकान बनवाऊंगा। थैंक यू। ये दुकान के साथ एक सेल्फी हो जाए? आजा। यू गाइज आर फोटो बॉम्बिंग, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। थैंक यू। परफेक्ट। इसे अपलोड करती हूँ विद हैशटैग डैडीज गिफ्ट। प्रणाम अम्मा। बेटा अम्मा के पैर छुओ। अम्मा मेरी बेटी है, अभी अभी इंदौर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके आई है। किसमें ग्रेजुएशन की बेटा? नौटंकी में। लाला जी दुकान पूरी खाली हो गई। एक दरख्वास्त है, बाबूजी की फोटो को यही रहने दीजिए। ठीक। लाला जी चल। अभी रहने दीजिए लाला जी, इसी शुभ दिन अपनी बेटी के शुभ हाथों से चाबी लूंगा आपसे। हेलो। हेलो हाय श्रेया, मैं जैकब बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ वैभव के दोस्त। फिर से कोई पेंडेंट चाहिए क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली एक हेल्प चाहिए। वो वैभव बहुत दुखी है, उनके घर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उनकी दुकान का एक बहुत बड़ा ऑर्डर छूट गया था तो बहुत नुकसान हो गया उनका, और कहीं ना कहीं उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर पॉइंट ये है कि वैभव अभी किसी से बात नहीं कर रहा है, ना कॉल उठा रहा है, ना किसी के मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। आप प्लीज एक बार उससे मिलिए ना, आप ही मना सकती हैं इस बार उसे। मैं? हाँ आप, एक्चुअली ही लाइक्स योर कंपनी, आपके साथ जब भी होता है तो बहुत खुश होता है वो। आप प्लीज एक बार उससे बात कीजिए ना, उसे बोलिए कि ऐसे मूड खराब ना करे, वो आपकी बात पक्का सुनेगा। वैसे अभी वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा है, पर मुझे पता है वो कहाँ होगा। जब भी उसका मूड खराब होता है तो वो लेक पर जाकर बैठ जाता है। लेक पे? हाँ लेक पर, एक्चुअली वो ब्रिज के आगे जो लेक है ना, वही मिलेगा वो आपको पक्का। तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मेरा मूड खराब होता है ना तो मैं यहीं आके बैठती हूँ, और वैसे भी आज मेरा हाफ डे है। जेकब ने बताया ना तुम्हें? जेकब? नहीं नहीं उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों ट्राई कर रही हो तुम? नहीं बोल पा रही ना तुम झूठ। जेकब का बच्चा भी ना मार खाएगा, उसे क्या बताने की जरूरत थी कि मैं यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ। और क्या बताया उसने तुम्हें? कि तुम परेशान हो। अच्छा अभी चलो यहाँ से। अरे इतना परेशान भी नहीं हूँ कि झील में कूद के अपनी जान दे दूंगा। झील उतनी गहरी भी नहीं है, मरने का ख्याल है तो, और बहुत अच्छी जगह है रतलाम में, मैं लेकर चलती हूँ। चलो जाओ, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बेकार में ही तुम्हारा बॉस डांटेगा तुम्हें। वैभव आई नो की प्रॉब्लम क्या है, एंड ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा ही,
सुनो, इतना दिल पे मत लो, गलतियां तो सभी से होती है। So it's okay, don't worry, चलो अभी यहाँ से। It's not okay यार, तुमने मेरी मम्मी को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। उन्हें लाइफ में कभी कोई चीज आसानी से नहीं मिली, हर चीज के लिए उन्हें लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। और बुरा पता है श्रेया किस बात का लगता है, इतने सालों में पहली बार माँ ने हमसे मदद मांगी और हम सब ने मिल के उन्हें फेल कर दिया। वैभव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना? हाँ, पर ये सोचने से गलती माफ थोड़ी हो जाएगी। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी हर गलती माफ कर देंगी वो। यही तो ट्रेजेडी है ना मम्मी की, हम लोग गलतियां करते करते नहीं थकते और वो बेचारी हमें माफ करते करते नहीं थकती। माफी माँ की मजबूरी नहीं, उम्मीद होती है। और अगर वो उम्मीद करना नहीं छोड़ती तो तुम कोशिश करना मत छोड़ो ना। एंड आई नो तुम उनके लिए जरूर कुछ करोगे। तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? वो देख रहे हो वहां पे, पानी पूरी खाओगे? नहीं। अरे चलो चलो चलो। तुमने कभी पानी पूरी ट्राई किया है? टू गुड, मजा आ जाएगा भैया। दो पानी पूरी, तुम मुठ ठीक करने के लिए झील के पास बैठते हो। हाँ। मैं मुठ ठीक करने के लिए पानी पूरी खाती हूँ। आज तो तुम्हें मेरा तरीका ट्राई करना ही पड़ेगा भैया। सुपर तीखा, दो जल्दी दो। अजीब नहीं लगी तुझे वो रूपचंद की लड़की? मतलब हमारे सामने कुछ और बाप के सामने कुछ और। अरे पूरा खानदान ही ऐसा है इनका, हम तो उसे पहचान ही नहीं पाए अम्मा। याद है तुझे कितना खेलती थी वो बचपन में वैभव के साथ? हाँ, दोनों नाटक में राम सीता बनते थे। तो अब भी बना दे उनकी जोड़ी, बहू भी घर आ जाएगी और दुकान भी बच जाएगी। मेरी एक दोस्त भी दुकान बचाने की सलाह देती रहती है। उसका कहना है कि परिवार में लक्ष्मी तब तक नहीं आएगी जब तक परिवार वालों की कमियां दूर ना हो जाए। बात तो पते की कह रही है तेरी दोस्त। कैसे पते की? अम्मा थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती है, उस रूपचंद को देखो कितना फ्रॉड है, फिर भी कितना पैसा है उसके पास। लक्ष्मी को सिर्फ पैसों से जोड़कर नहीं देखते ना बहू, लक्ष्मी तो घर की बहू के रूप में सौभाग्य बनकर आती। इसे तू आई थी, फिर माया आई और अब वो आएगी वैभव की बहू बनकर। बचपन में वैभव के साथ पढ़ती थी, वो रूपचंद है ना? हाँ। जो हमारी दुकान खरीद रहा है उसी की बेटी है प्रीति। अचानक रिश्ते का ख्याल कैसे आया तुम्हें? बड़े बड़े आइडियाज अचानक ही आते हैं। उस वैज्ञानिक के सर पे जब अचानक सेब गिरा था उसके बाद उसने भविष्य बदल दिया था विज्ञान का। ये आइडिया भी मेरे परिवार का भविष्य बदल देगा। इसका मतलब तुम अपने परिवार की वैज्ञानिक है ना? मैं नहीं अम्मा, मजाक में कही थी बात, लेकिन बात पते की है। घर में बहू आ जाएगी और दुकान भी बच जाएगी, तुम्हारी क्या राय है? थैंक्स। क्या थैंक्स? थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, अगर तुम झील पे नहीं आती तो पता नहीं मैं कितनी देर तक वहीं बैठा रहता। और इतनी कमाल की पानी पूरी भी खाने नहीं मिलती। क्या कमाल की पानी पूरी थी? हाँ भैया, थोड़ी तीखी बनाना, थोड़ी और सुपर तीखी बनाना, अभी तक मुंह जल रहा है मेरा। यही तो इलाज है, जब पानी पूरी के आंसू आएंगी तभी तो टेंशन जाएगा। और इसीलिए स्ट्रेस में हमेशा तीखी पानी पूरी खानी चाहिए। क्या लॉजिक है इसका। नाउ जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ और सब भूल जाओ। एक दिन जब मैं भी दुखी थी तब किसी ने मुझे यही बोला था, आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स कीजिए और ये सब कुछ भूल जाइए। थैंक्स। लगता है कोई तो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान रहा होगा, है ना? पूजा की थाली, पूजा की थाली, पूजा की थाली, पूजा की थाली।
पूजा की थाली, पूजा की थाली। तुम अक्सर मंदिर आती हो क्या? अब हो ही जाता है, हमारे काफी क्लाइंट्स ज्वेलरी माता को चढ़ाने के बाद ही एक्सेप्ट करते हैं, और सबको ये मेरे हाथों से ही करवाना होता है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज चलो टेक केयर। यस, मैं निकलती हूँ। बाय। इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा, चलो आगे चलते हैं। सविता क्या कर रही हो, लाइन तोड़कर जाओगी क्या? मैं लक्ष्मी माँ की प्रीमियम भक्त हूँ, प्लैटिनम गोल्ड कैटेगरी, इतना तो मुझे अलाउड है। आंटी लाइन क्यों तोड़ रही हो? तुम आप पंडित जी इसे फटाफट चढ़ा दीजिए। बहन जी मेरी सास बहुत बीमार है और आज मैं खाना भी नहीं बना पाई, घर पे सब भूखे बैठे होंगे ना। पंडित जी नारियल जरूर दीजिएगा। आंटी दिस इज रॉन्ग, सबको खाना बनाना है, सभी जल्दी में है। तुम तो बनाने वाली लगती हो नहीं, पिज्जा बर्गर कुछ तो मंगा लोगी, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मैंने बोला ना मुझे बहुत जरूरी काम है। लीजिए बहन जी, नारियल तो खत्म हो गया बहन जी, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। और ये ज्वेलरी भी? जी बहन जी, आपका प्रसाद। क्या फायदा हुआ, लास्ट में वेट करना ही पड़ा ना, इसीलिए लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। आंटी एक सेकंड, अरे आप तो समझदार लग रहे हो, इन्हें समझाइए ना। तुम क्या तितली की तरह हमारे पीछे मंडरा रही हो, जाओ अपने घर। चलो एक मिनट आंटी, मुझे पिज्जा बर्गर बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। आपको राजमा चावल पसंद है? किसी दिन मैं आपको मेरे हाथ का खिलाऊंगी, ताकि आपका करेले जैसा मूड ठीक हो जाए। इतना अच्छा बनाती हूँ मैं, जुबान ज्यादा अच्छी चलाती हो। एक मुफ्त की राय देती हूँ, सास के सामने मत चलाना, सुखी रहोगी। आप ही बताइए कुछ गलत कहा मैंने? सोच कर रही हो तुम, उसकी तरफ हो या मेरी? आपकी दोस्त है आपकी साइड लेगी, लेकिन इन्हें भी पता है कौन सही है। एनीवेज आंटी आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। क्या चलो आजकल के बच्चे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। वैसे गलती तो तुम्हारी थी सविता, लाइन तो तुमने तोड़ी थी। उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा, शॉर्टकट लेने से कुछ नहीं होता है। अब तुम ही देखो तुमने शॉर्टकट लिया, ना ही तुम भगवान तक पहुंच पाई और ना ही अपने लक्ष्य तक। अच्छा एक बात बताओ सविता, उस लड़की से अपने बेटी की शादी इसीलिए कराना चाहती हो ना, ताकि दुकान वापस मिल जाए? तो ये शॉर्टकट नहीं लगा तुम्हें? ये शॉर्टकट नहीं, भगवान का इशारा है, वरना इतने सालों बाद अचानक वो लड़की रतलाम में कैसे टपक पड़ी? लक्ष्मी माना मुझे कोई संकेत दे रही है, और तुम अपने ज्ञान का पिटारा लेके मेरे और लक्ष्मी माँ के बीच में मत आओ। सविता बचपन में तुमने भी खेला होगा ना ये? हाँ एक मिनट देना बेटा, ये लो खेल कर दिखाओ।
ऐसे नहीं जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं। तो कैसे? यहाँ से 9 पर पहुँच कर दिखो। ये लो ना। सीधे 9 पे? हाँ, लगाओ कोई तिकड़म, ढूंढो कोई शॉर्टकट। तुम तो माहिर हो सविता, ये लो। क्या हुआ सविता, नहीं कर पाओगी ना? एक छलांग में केवल खाई में कूदा जा सकता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो सूझबूझ के साथ कदम उठाना होगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि शादी का विषय है सविता, और फिर तुम्हें क्या पता, हो सकता है तुम्हारे बेटे के मन में कोई और लड़की हो। अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है सविता, बेटे से बिना पूछे खुद ही तय कर लिया। ये भी शॉर्टकट है। तुम ना सिर्फ सलाह देना आता है तुम्हें, अब अपने घर का शॉर्टकट बताओ। पेट्रोल बहुत कम है स्कूटर में। अरे क्या कैलकुलेट कर रहे हो पापा? वो दुकान जो बिक्री, उससे जो रकम आएगा उसका हिसाब कर रहा हूँ। 200-300 करोड़ में थोड़ी बिकी है दुकान, 85 लाख में बिकी है। बेटे 2 है, डिवाइड बाय 2 कर लो, 42,50,000 इसके और 42,50,000 मेरे। अच्छा, डिवाइड बाय 3 कर लो तो 28,33,333 इसके, 28,33,333 इसके और 28,30,333 मेरे। एक सेकेंड, 3 में डिवाइड मतलब? जीजे आपका हिस्सा नहीं बनता है, मतलब आपका अदिति के साथ आ गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ। क्यों, उनको बुढ़ापे में नहीं चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, सब खुद ही लेके निकल लेंगे। डैडी जी क्या करेंगे, श्रवण कुमार बन के एक तरफ अम्मा जी और एक तरफ सासू माँ को लेकर टोकरी में घूमेंगे। तो फिर 4 में डिवाइड कर दो ना, 21,25,000 सबका है ना पापा? पापा एक काम करो, 2-4 हिस्से और कर लो ताकि सबके हाथ में पॉकेट मनी जितने तो पैसे आ जाएंगे। और जीजे ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जीजे कि इस उम्र में पापा मम्मी इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? हम दोनों है ना इनकी देखभाल करने के लिए, मैं और माया अलग घर बनाकर रहने वाले, फिर इसकी शादी हो जाएगी, ये भी सेटल हो जाएगा, तो पापा मम्मी के लिए 2-2 घर हो जाएंगे जीजे। कभी पापा इधर तो मम्मी उधर, कभी मम्मी उधर तो पापा इधर, हो गया काम। फिर तो डैडी जी और सासू मां दोनों गाना भी गाएंगे, मैं यहाँ तू वहाँ, है ना? कौन से चैनल पे बागवान देख के आए आज? क्यों सब लोग एक साथ एक घर में नहीं रह सकते? जीजे ये घर है ना पहले से ही ताऊ जी के साथ लिटिगेशन में फंसा पड़ा है, कभी भी जा सकता है ये घर, और पापा मम्मी बेटी के घर में रहे ये अच्छी बात नहीं, इसलिए कह रहा हूँ पापा बेटों को ही अच्छे तरीके से सेटल कर लो। क्यों इतने हिस्से करने हैं? काम हो जाएगा, जो करना है मैं कर दूंगा, इस बात का सर्कस मत बनाओ इधर। आज पहली बार मुझे समझ में आ रहा है सविता, तुम दुकान बचाने के लिए इतना क्यों भाग रही थी। तुम सही भाग रही थी सविता, मुझे नहीं पता था कि दुकान के साथ साथ माँ बाप का भी हिस्सा करेंगे ये लोग। अब ये बताएंगे हमें कि तुम और मैं कहाँ रहेंगे। अब भी सोच लीजिए, कुछ भी करके बयाना वापस दीजिए, दुकान बच जाएगी। कहां से करूं मैं, माया के बाप से भीख मांगू जाके? मैंने अपनी गलती मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से मुझे रास्ता दिखाना शुरू कर दो। दुकान तो गई, अब घर को टूटने से बचा सको तो बचा लो। दुकान बची तो ही घर बचेगा।
डैडी। ये तो टूट गया। मैं इसे बना के लाऊंगी। लाओ, मैं बनवा दूंगा। अरे तू छोड़, चिंता मत कर, मैं कर दूंगा। मुझे कहाँ कुछ करना है, मैं सीधा महेश्वरी ज्वेलर्स जाऊंगा, उन्हें दे दूंगा, हो जाएगा। लाओ। महेश्वरी ज्वेलर्स? इतने से काम के लिए इतने बड़े शोरूम जाएगा? ये कोई गली का सोनार भी कर देगा। तू मुझे दे दे। अरे छोड़ इसे और मेरी बात सुन। तेरी कोई दोस्त है क्या? क्या 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 क्या? कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड है तेरी? क्या पूछ रही हो आप माँ? अरे शर्मा मत, माँ को नहीं बताएगा? नहीं है माँ ऐसा कुछ भी। तू पूरे रतलाम में एक भी लड़की नहीं है जो मेरे हीरो पे लट्टू हो। कोई भी नहीं है जिसके साथ तू रात भर चैटिंग करता है। लो, आप मेरा फोन चेक कर। अरे इसमें तो तूने नाम कुछ का कुछ सेव करके रखा होगा, मैं तो बुद्धू बन जाऊंगी ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ ठीक है। सुनो, है कोई इयररिंग्स दो मुझे। जिद मत करो, आपको वैसे भी 36 काम करने होते हैं, मैं कर दूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। पक्का गर्लफ्रेंड नहीं है ना? हाँ पक्का, वो भी नहीं है। बस चलो, रास्ता साफ है। वैभव के मन में कोई लड़की नहीं है, अब बस रूपचंद शादी के लिए मान जाए तो दुकान और घर दोनों बच जाएंगे। हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।